हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका पाठशाला। आज हम इंटीग्रेशन का ऐसा सुपर सुपर ट्रिक्स बताएंगे जो कि आप इस तरह का क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। अब आप कहोगे सर, हम लोग का तो इसको तरह क्वेश्चन के 5 से 6 मिनट लगता है बनाने में, और 5 सेकंड में कैसे बनाएंगे? तो देखो, बहुत ही ईजी है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप 100% सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों ऊपर और नीचे एक लीनियर इक्वेशन है, एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन रहे और इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दें, तो बहुत ही सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूँ, आप लोग मात्र 5 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। कैसे, देखिए हम बनाकर दिखाते हैं। ये हो जाएगा 4x/2 - x/4 log 2x + 5 + c आंसर। इसको बनाने के लिए कहा जाए, इसको भी देखो बना सकते हैं, 7x/4 137/16 log 4x + 11 + c आंसर। अब आप कहोगे सर इतना फास्ट आपने कैसे बनाया? तो मैं आप लोग को अभी ट्रिक बताने जा रहा हूँ कैसे इतना फास्ट बनता है। तो आपको एक फार्मूला याद करना होगा, वो है देखिए इस फॉर्म में जब भी रहे, किस फॉर्म में? ये वाला। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आपका बारी है, आप जितना अच्छा से सीखिएगा 5 सेकंड के अंदर, मतलब 3 सेकंड 2 सेकंड में आप बना सकते हैं। जितना आप अच्छा सीखिएगा उतना जल्दी बनाइएगा। ठीक है, क्या है? यदि ax + b / cx + d के फॉर्म में रहे, इस तरह से रहे, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ax / c लिख लेते हैं, ax / c। अब माइनस, फिर क्या करते हैं, a को d से मल्टीपल कराते हैं, a से d से a d, फिर बीच में लगता है माइनस, फिर c को b से करते हैं, ये हो जाएगा bc। अब बाई ये c का स्क्वायर, लॉग ये जो cx + d है ना डिनोमिनेटर में, इसको लिख लेते हैं cx + d, अब बड़ा c यानी लिख लेते हैं। ये हमारा जब भी इस तरह का फॉर्म में रहे इसका इंटीग्रेशन निकालना हो, ये याद कर लीजिए। कैसे? सबसे पहले ax / c लिख लिए, माइनस फिर ad - bc, अब c² फिर log, और फिर डिनोमिनेटर वाला यहाँ पर लिख लेंगे, हो जाएगा। आइए आपको हम एक क्वेश्चन लेकर के बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 11 - 13x / 3x + 20 dx। अब इसको आप कैसे बनाइएगा? देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा कि ये तो हमारा 7x - 15 है ना, तो ये तो हमारा उल्टा दिया हुआ है, पहले 11 आ गया उसके बाद 13x आया है, तो पहले इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, सेपरेट कैसे करेंगे? इसको पहले लिखने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया। अब आई नीचे ज्यों का त्यों dx। अभी देखिए आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया, ये माइनस को हम बाहर लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? पहले माइनस है तो माइनस को बाहर कर दीजिए। अब ये बचा आपका इस फॉर्म में, इसको इस तरह से लिख लेंगे इस फॉर्मूला पे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ax / c यानी आपका यहाँ पर क्या है, ax / c लिख रहे थे ना, तो 13x है, हम क्या करेंगे, 13x, अब c का वैल्यू क्या है, 3 ना, 3 लिख लिए, फिर माइनस ad यानी a है और ad है, इन दोनों को गुना करा देंगे। ठीक है, तो 20 ले और 13 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 20 से 13 से गुना करेंगे 0, 3 × 6, 0, 2, 260, तो 260 माइनस bc होता है, bc यानी a वाला, 33 39, ये हो गया 39। अब बटा क्या होता है, c² c क्या है, ये ना, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर log, यहाँ पर cx + d यानी डिनोमिनेटर लगता है, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 3x + 20 + c। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हो गया आंसर 13x / 3 माइनस,
260 में से 39 घटे कितना आएगा 293। अब बटा तीतरी का 9 log 3x प्लस 20 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले, दोनों रैखिक समीकरण हो, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, दोनों तरफ ऊपर और नीचे, ठीक है, तो आप इस फॉर्म पर जल्द से जल्द बना लीजिए। इसमें क्या करना है, पहले क्या करते हैं कि ए एक्स बाई ए एक्स प्लस बी बाई सी एक्स प्लस डी है, तो ए एक्स अब बाई सी लिख लेते हैं, फिर माइनस, फिर ए डी बी सी बाटा सी स्क्वायर, फिर लॉग डिनोमिनेटर का लिख लेते हैं नीचे, हो गया। जब भी इस तरह का आपका क्वेश्चन मिले तो आप आराम से इसे बनाइए, आपको 100% बनेगा। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग बहुत ही इस तरह कभी भी क्वेश्चन है आप बना लेंगे, एयरफोर्स में आता है, एनडीए में आता है, आईटी मेंस, जेई मेंस में आता है, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी सीख सके आपकी वजह से, ठीक है। तो चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, और चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा पढ़ाई करिए, ठीक है। जो भी ट्रिक्स आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उस पर ट्रिक का वीडियो बनाएंगे। ओके।